फॉरेक्स यानी कि फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट, माय डियर फ्रेंड, फॉरेक्स डिपार्टमेंट बहुत ही लुक्रेटिव करियर ऑप्शन हो सकता है अगर आप बैंकिंग सेक्टर के अंदर अपना करियर बनाना चाह रहे हो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल देने वाला हूँ कि आप कैसे अपना करियर फॉरेक्स डिपार्टमेंट के अंदर ना सिर्फ बना सकते हो, साथ ही साथ कैसे आपकी इस डिपार्टमेंट के अंदर ग्रोथ होगी। हर एक सेकंड इस वीडियो का वैल्यूएबल होने वाला है, तो वीडियो को बहुत ही अटेंशन से देखना। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि हम इस वीडियो को शुरू करें और समझें कि आखिर कैसे आप अपना करियर फॉरेक्स डिपार्टमेंट के अंदर बना सकते हैं। सबसे पहले हम क्लियर कर देते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। माय डियर फ्रेंड, फॉरेक्स डिपार्टमेंट के अंदर अपना करियर बनाने के लिए आपकी ग्रेजुएशन होना काफी है। ग्रेजुएशन में आपने बीबीए किया हो, बीकॉम किया हो, या फिर अगर आपने बीए भी किया हुआ है लेकिन आपका मेजर जो था इकोनॉमिक्स था, या मैथ्स का आपने स्टडी किया हुआ है बीए के अंदर, तो भी आप इस डोमेन के अंदर अपना करियर बना सकते हो। पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें, अगर आपने एमबीए किया हुआ है स्पेसिफिकली फाइनेंस में या इंटरनेशनल बिजनेस में, सो आपके लिए ये प्लस पॉइंट हो जाएगा, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, एक एडेड एडवांटेज है। एजुकेशन क्लियर हुआ, अब आगे बढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं कि इस करियर अपॉर्चुनिटी में ऐसा खास क्या है जो ये बहुत ही लुक्रेटिव करियर अपॉर्चुनिटी बन जाती है। सबसे पहले जब भी हम किसी करियर अपॉर्चुनिटी को इवैल्यूएट करते हैं तो हम बात करते हैं सबसे पहले सैलरी की। इस करियर अपॉर्चुनिटी में एंट्री लेवल पे आपको एज अ फ्रेशर करीब करीब 3.5 लाख से लेकर के 6 लाख तक के सैलरी पैकेजेस मिलते हैं। ये तो है स्टार्टिंग सैलरी और ये है फिक्स सैलरी। साथ ही साथ मोस्टली सभी बैंक फॉरेक्स डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज को परफॉर्मेंस बोनस भी देते हैं। आप जितना अच्छा काम करते हो, जितने ज्यादा ट्रांजेक्शन मैनेज करते हो, उसमें आपका इंसेंटिव भी होता है, राइट? सो ये बहुत ही बढ़िया करियर अपॉर्चुनिटी बन जाती है। ना सिर्फ ये करियर अपॉर्चुनिटी स्टार्टिंग में लिक्यूरेटिव है, साथ ही साथ ये ऑफर करती है बहुत बढ़िया ग्रोथ अपॉर्चुनिटी विद एक्सपीरियंस विद टाइम। जैसे जैसे अपने नॉलेज को आप इंप्रूव करोगे, स्किल सेट को इंप्रूव करोगे, जितना ज्यादा आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आप डाउन द लाइन फॉरेक्स एनालिस्ट, रिलेशनशिप मैनेजर इन फॉरेक्स डिपार्टमेंट और ट्रेजरी मैनेजर जैसी पोजीशंस को भी पा सकते हो, वो भी बहुत ही कम टाइम के अंदर। और विद टाइम जैसे जैसे आप अपने लर्निंग पे और अपनी अपस्किलिंग पे फोकस करोगे, तो आप लीडरशिप पोजीशंस पे भी पहुंच सकते हो। और कैसे अपनी अपस्किलिंग करनी है, क्या करना है, इसके बारे में हम थोड़ा आगे बात करने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड। पहले जान लेते हैं कि सैलरी और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज के अलावा क्या बेनिफिट्स हैं। डेफिनेटली हर एक बैंक एम्प्लॉय की तरह आपको जो लोन के बेनिफिट्स हैं वो भी मिलते हैं, आपको हेल्थ इंश्योरेंस के बेनिफिट्स हैं वो मिलते हैं, लेकिन इस प्रोफाइल पर आपको जो एक अच्छी बात मिलेगी वो मिलती है फ्लेक्सिबिलिटी। आपको वर्क लाइफ बैलेंस कंपैरेटिवली बाकी प्रोफाइल से बेटर रहता है इस प्रोफाइल के बैंक्स। और इंटरेस्टिंग बात, बैंक्स अपने इंप्लॉयज की ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में काफी हैविली इन्वेस्ट करते हैं, सो आपकी जो नॉलेज एनहेंसमेंट है, आपकी ट्रेनिंग्स हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं, आपका करियर प्रोग्रेशन बहुत बेटर होता है इस प्रोफाइल के अंदर। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है वो है नेटवर्किंग। जब आप फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे हो, आप डॉलर्स, पाउंड्स और बड़े बड़े मिलियन डॉलर्स के ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो आप किनसे कॉन्टैक्ट करोगे, जो टॉप ऑफ द क्रीम पीपल है। सो आप बेसिकली HNIs, UHNIs के साथ नेटवर्किंग करोगे, सो जो आपको आपकी करियर में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, नॉट ओनली इन शॉर्ट टर्म बट ऑल्सो इन लॉन्ग टर्म। सो आई होप आपको क्लैरिटी हुई कि ये अपॉर्चुनिटी क्यों इतनी इंटरेस्टिंग है। अगर ये वीडियो अब तक आपको अच्छी लगी तो फटाफट से वीडियो लाइक करो और हम आगे बढ़े और समझें कि इन प्रोफाइल्स पे जॉब पाने के लिए आपकी क्या स्किल सेट होने चाहिए, उनको कैसे डेवलप कर सकते हो, कैसे आप इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हो। सबसे इन प्रोफाइल पे काम करने के लिए आपका स्किल सेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको बेसिकली 5 स्किल्स डेवलप करने हैं इस प्रोफाइल पे काम करने के लिए। पहला, आपके एनालिटिकल स्किल्स। अगर आप इस प्रोफाइल पे वर्क करना चाहते हो तो आप अपनी एबिलिटी डेवलप करो मार्केट ट्रेंड्स को एनालाइज करने की, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को एनालाइज करने की और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को एनालाइज करने की। ये बहुत ही ज्यादा क्रूशियल स्किल है। सेकेंड स्किल है मैथमेटिकल स्किल्स। माय डियर फ्रेंड, सारा काम मैथ से ही होना है, सो आपकी स्टैटिस्टिक और मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए इस प्रोफाइल के लिए। थर्ड आते हैं टेक्निकल स्किल। इस प्रोफाइल पे वर्क करने के लिए आप अपने आप को फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर, ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म्स और फाइनेंशियल टूल्स जैसे कि टैली से अपने आप को फैमिलियराइज करो, इनके ऊपर ट्रेनिंग लो। फोर्थ इंपॉर्टेंट स्किल, कम्युनिकेशन स्किल। जब आप HNI और UHNI से बात करने वाले हो, फॉरेक्स के अंदर आप डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट लोगों से बात करने वाले हो, अलग अलग कल्चर और अलग अलग लैंग्वेज के लोगों से बात करोगे, तो आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए, आपकी इंग्लिश पे बहुत ही सॉलिड कमांड होनी चाहिए, सो आप अपना कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करने पे फोकस करो। फिफ्थ इंपॉर्टेंट, अटेंशन टू डिटेल।
जहां पे स्टेक्स हाई होते हैं वहां पे ज्यादा अटेंशन देना होता है, जब आप मिलियन डॉलर्स मल्टी मिलियन डॉलर्स की डील करोगे या इवन आप छोटे अमाउंट को ट्रांजैक्ट कर रहे हो, लेकिन जब आपके जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है वो 180-190 रुपीज होते हैं, सो अगर आप छोटी सी भी मिस्टेक करते हो तो वो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकती है। सो आपका अटेंशन टू डिटेल होना बहुत जरूरी है। सो ये 5 कोर स्किल्स आपको सीखने हैं। अब इन स्किल्स को सीखोगे कैसे? इन स्किल्स को सीखने के लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कुछ कोर्सेस और कुछ एडवांस सर्टिफिकेशन। सबसे पहले बात करते हैं मोस्ट रिस्पेक्टेड कोर्स इन फाइनेंशियल सेक्टर, जो कि है CFA, यानी कि चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। माय डियर फ्रेंड, एंट्री लेवल पे जॉब करने के लिए तो आपको ये नहीं चाहिए, लेकिन आप अपने करियर में प्रोग्रेशन करना चाहते हो, फास्ट फॉरवर्ड ग्रोथ चाहते हो, तो ये कोर्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अब बढ़ते हैं थोड़े छोटे कोर्स की तरफ, जो कि है डिप्लोमा कोर्स। इस कोर्स का नाम है DTIRM, यानी कि डिप्लोमा इन ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट। ये जो कोर्स है ये IIBF यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस कराता है। इस कोर्स के अंदर ट्रेजरी और रिस्क मैनेजमेंट को बहुत ही डिटेल में कवर किया जाता है और ये आपकी फॉरेक्स डिपार्टमेंट के अंदर करियर बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। अगर आप डिप्लोमा कोर्स भी नहीं करना चाहते तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ एटलीस्ट कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेज करो। IIBF और NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज काफी सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज रन करते हैं फॉरेक्स से रिलेटेड, आप उनको एक्सप्लोर कर सकते हो, उनको कर सकते हो और यह भी काफी हेल्प करेगा। इसके अलावा यूडेमी और कोर्स एरा पे भी काफी सारे कोर्सेज हैं जो आपको इस फील्ड को एक्सप्लोर करने में हेल्प करेंगे और आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट देंगे। कुछ अच्छे कोर्सेज के जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर दे रहा हूँ, रिकमेंड करता हूँ जाकर उनको चेकआउट करो और उनके अंदर एनरोल करो ताकि आप अपना पहला स्टेप ले सको। बहुत ही कम प्राइस के कोर्सेज हैं लेकिन आपको एक अच्छा हेड स्टार्ट देंगे, तो आई रिकमेंड जाइए और उनके अंदर इनरोल कीजिए और अपनी जर्नी को फर्स्ट स्टेप दीजिए। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग कोर्स है BMC यानी कि ब्लूमबर्ग मार्केट कॉन्सेप्ट्स। इस कोर्स के अंदर आपको फाइनेंशियल मार्केट्स की और ब्लूमबर्ग टर्मिनल्स की अच्छी खासी ट्रेनिंग मिलती है, तो ये कोर्स भी आप कंसिडर कर सकते हो। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे रहा हूँ आपकी हेल्प के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि कैसे आप अपना कैंडिडेचर स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। माय डियर फ्रेंड, अगर आप फॉरेक्स डिपार्टमेंट के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हो तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप इंटर्नशिप करो और थोड़ा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन करो। माय डियर फ्रेंड, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप बैंक्स के अंदर और फाइनेंशियल कंपनीज के अंदर ट्रेजरी फॉरेक्स या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सेक्टर्स के अंदर इंटर्नशिप करो। ये छोटी छोटी इंटर्नशिप आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देंगी और आपको इस इंडस्ट्री से फैमिलराइज बनाएंगी, जो आपकी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनेगा अपना करियर किक स्टार्ट करने में। इसके अलावा मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप मॉक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स को एक्सप्लोर करो, उनके ऊपर प्रैक्टिस करो, जैसे कि NSE पाठशाला और इन्वेस्टोपीडिया, इनके ऊपर आप अपना टाइम स्पेंड करो, एक्सप्लोर करो और आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन करो, ये आपको रियली हेल्प करेगा। लास्ट में हम कवर करते हैं कि कैसे आप इन अपॉर्चुनिटीज पे अप्लाई कर सकते हो और कैसे अपना इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। सबसे पहले आप अपना एक रिज्यूमे टेलर्ड बनाओ, फॉरेक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से आपको अपना रिज्यूमे बनाना है। जो स्किल सेट मैंने आपको इस वीडियो की शुरुआत में बताया वो स्किल सेट मेंशन करने हैं और अपने रेलेवेंट इंटर्नशिप एक्सपीरियंसेस को उसके अंदर मेंशन करना है ताकि आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो सके। सेकंड, एप्लीकेशन, आप डिफरेंट जॉब पोर्टल्स और लिंक्डइन पे रेलेवेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज को अप्लाई करोगे। थर्ड, नेटवर्किंग, आप जो लोग फॉरेक्स के अंदर वर्किंग है उनसे आप नेटवर्किंग करो, कनेक्शन बनाओ और रेफरेंस क्रिएट करो। फोर्थ, आप अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन करो, इंटरव्यू की ड्रेसिंग, बॉडी लैंग्वेज और FAQs की आप अच्छे से तैयारी करोगे तो आप इन इंटरव्यूज को अच्छे से क्रैक कर पाओगे। अगर आप चाहते हो कि फॉरेक्स जॉब में एप्लीकेशन और इंटरव्यू क्रैक करने के ऊपर हम डिटेल वीडियो बनाएं तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम उसमें डिटेल वीडियो लेकर आएंगे। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत ज्यादा वैल्यू मिली है, वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। जाते-जाते मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए, आपकी बैंकर लाइक पर्सनालिटी बनाने के लिए हमने अपना कोर्स लॉन्च किया है कंगाधर टू शक्तिमान। उसके बारे में ज्यादा डिटेल डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर है, जाइए और वहां से चेकआउट कीजिए और इस कोर्स के अंदर इनरोल कीजिए। Thank you for watching this video. I will see you in the next one.